हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि ओला ने अपने फ्लैगशिप प्रोडक्ट ओला S1 Pro को हाल ही में लॉन्च किया था। जब से वो लॉन्च हुई है, बहुत ही ज़्यादा ईवी मार्केट में ग्रोथ आई है, बहुत ज़्यादा उसका सेल हाई हुआ है। खास करके ओला का जो S1 Pro है, वो सबसे ज़्यादा टॉप ईवी स्कूटर में से एक माना जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, यहाँ पे एक नहीं दो दो ओला S1 Pro है। तो बेसिकली आज मैं इसका रियल लाइफ रिव्यू करने वाला हूँ, जो कि मुझे अच्छा खासा किलोमीटर मैंने इससे चलाया है। तो बेसिकली आज मैं दो दो गाड़ी आपके सामने रखा हूँ कि क्या क्या इस ड्यूरेशन में क्या क्या मुझे किस में क्या दिक्कत की सामना करनी पड़ी और क्या क्या मुझे प्रॉब्लम आई है और क्या क्या सॉल्यूशन मुझे मिला है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, यहाँ पे एक नहीं दो दो ओला S1 Pro है, जो कि मैंने लगभग 3 महीने के अंदर में दोनों गाड़ियाँ ली हैं। जैसे कि आप नंबर प्लेट भी देख सकते हैं, सीरीज जो है वो CQ है और CR है। जस्ट 15 दिन का डिफरेंस में मैंने दो गाड़ियाँ निकाला था, जो कि मेरे ही फैमिली के मेंबर्स में से एक है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली मैंने बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ ओला S1 Pro के रिगार्डिंग, बट ये जो मैं आज आपको वीडियो बना रहा हूँ, ये बेसिकली A to Z डिटेल्स रिव्यू करने वाला हूं और दोनों गाड़ियों को मैं दिखाऊंगा, क्योंकि ये दोनों गाड़ी कम से कम मैंने 15,000 किलोमीटर के आसपास चला चुका हूं। तो बेसिकली इसका आज A to Z डिटेल्स रिव्यू आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप पहले लुक देख ले, यहां पे सिल्वर कलर है और यहां पे जेट ब्लैक कलर है, ठीक है, ये दो कलर है। तो बेसिकली यहां पे एक बार देख ली हुई है, मैं एज इट इज रहने दिया, जैसा मेरा नॉर्मल यूसेज डेली का यूज है, मैं जस्ट गाड़ी को उठा के आपके सामने दिखा रहा हूँ। इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुआ है। इसमें से आप एक बार लुक चेकआउट कर ले, दोनों ही कलर हम लोगों के फेवरेट कलर है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सी कलर सबसे ज्यादा अच्छी लगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहला जो गाड़ी लिया था मैंने वो ये वाली थी, जो कि लगभग 3 महीने हो चुका है। तो आप यहाँ पे लुक इसका चेकआउट कर सकते हैं, पेंट क्वालिटी देख सकते हैं, टायरों की क्वालिटी देख सकते हैं कि किस हिसाब से उससे और इसमें मैच कर रहा है या फिर कितना ज़्यादा टायर भी घिस चुका है। उससे पहले मैं आपको सबसे पहले इसका किलोमीटर मैं आपको चेक करा देता हूं, उसके बाद मैं इसके रिव्यू बनाता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, 10,819 किलोमीटर मैंने इस गाड़ी को चलाया है, जो कि 3 महीने के अंदर ही चलाया है। तो यहां पे बहुत ज़्यादा रनिंग था मेरा ये वाला गाड़ी का, तो इसके लिए आप देख सकते हैं यहां पे 10,819। अब मैं आपको उसको दिखाता हूं, वो गाड़ी कितनी ज़्यादा किलोमीटर चलाया हुआ। तो यहां पे भी देखिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी देखिए 3,950 किलोमीटर, लगभग 4,000 किलोमीटर मैंने ये गाड़ी को भी चलाया। तो कुल मिला के ये टोटल 15,000 किलोमीटर के आसपास मैंने दोनों गाड़ी का ड्राइव किया हूँ। तो मुझे अच्छे से पता है कि ये दोनों गाड़ी में क्या क्या खामियाँ आई हैं और कैसे उस खामियों को पूरा किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करें। अगर आप ओला S1 Pro लेने जा रही हैं फिर ऑलरेडी परचेस कर चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता भी चल जाएगा कि इसमें किस हिसाब से क्या क्या प्रॉब्लम आती है और आपको उस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करना है, कैसे सर्विस सेंटर से इसका सॉल्यूशन लेना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये वाली गाड़ी के बारे में बताता हूँ। देखिए, इसमें आप पहले ओवरऑल लुक चेकआउट कर सकते हैं। इसमें देखिए, इसका जो सबसे पहला जो है कलर, यहाँ पे देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा घिस गया है कि यहाँ पे जो ब्लैक वाला है, ठीक है, लीवर पे, दोनों ब्रेक लीवर में यहाँ पे आप देख सकते हैं वो ब्लैक वाला है। ये ब्रेक दबाते दबाते यहाँ पे देखिए इसका कलर ही निकल गया, ठीक है, इतना ज़्यादा ये गाड़ी रनिंग हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, और मैं दूसरा चीज़ बताना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, गाड़ी और बढ़िया, बट जो इसका बिल्ड क्वालिटी है, जो प्लास्टिक की क्वालिटी है, वो कहीं ना कहीं इसमें कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, थोड़ा सा और इन्हेंस हो सकता था। क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ क्रैक हो चुका है। ये कैसे क्रैक हो गया है मैं आपको बताता हूँ। ये गाड़ी गिर के क्रैक नहीं हुई है, ये स्क्रैचेस बात की है, बट ये जो क्रैक है वो कैसे हुआ है मैं बताता हूँ। गाड़ी को जस्ट यहाँ पे कोई थोड़ा सा दब गया था गाड़ी यहाँ पे किसी के पैर से, तो वहाँ से वो क्रैक हो गया, जबकि थोड़ा बहुत इतना माइनर सा प्रेशर से गाड़ी का ऐसा हाल नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा और मजबूत होना चाहिए। और दूसरी बात, ये पूरा का पूरा बॉडी एक समय पे इसमें नॉइज़ आने लगती है और जो गैप होता है, पैनल गैप, आप देख सकते हैं बहुत जगह सिमेट्रिकल नहीं है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम है, और जितना भी लॉक, ये देखिए, ये फ्री हो जाती है, खुद पे खुद गिर जाती है, ठीक है। ये जो बिल्ड क्वालिटी है, समय के साथ साथ उस हिसाब से मेंटेन नहीं रख पाता है अपने आप को, वो समय के साथ साथ वैसा बरकरार नहीं रहता है। तो और बिल्ड क्वालिटी की मैं बात कर लूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं,
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं जो इस साइड का जो है फुट स्टेप यहाँ पे देखिए टूट गया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जस्ट पैर रख के बैठे बैठे अचानक से ये क्रैक होके टूट गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे ब्रोक हो गया है। तो इसमें भी क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है कि इतना आसान से गाड़ी का जो फुट रेस्ट है वो नहीं टूटना चाहिए, थोड़ा सा और क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए। तो ओवरऑल बॉडी में बहुत ही अच्छा बिल्ड क्वालिटी नहीं कहूँगा और बहुत ही बुरा भी नहीं कहूँगा, बट थोड़ा सा गाड़ी का जो प्राइस है उसके हिसाब से थोड़ा और बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड करना चाहिए। तो फ्रेंड्स बाकी का मैं बात कर लूँ, ओवरऑल जो गाड़ी का परफॉर्मेंस है उसमें डाउन बिल्कुल भी नहीं हुआ। मुझे सेम एज इट इज़ जितना बैकअप पहले मिलता था, जितना रेंज पहले मिलता था, वही बैकअप मुझे आज भी मिल रही है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल जो इंटीरियर का मैं बात कर लूँ, अंदर की बात कर लूँ, टेक्निकल टर्म्स की बात कर लूँ, मुझे सब सेम है, अभी तक कोई चेंजेस नहीं हुए। चेंजेस क्या हुआ है कि मेरा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो मेरा यहाँ पे जो आप देख सकते हैं जो स्क्रीन लगी हुई, ये बहुत ज़्यादा लैग करती है। मुझे हर दिन आए दिन एक से दो दिन तीन दिन में मुझे एक बार रिसेट ज़रूर करना पड़ता, तभी सारा फंक्शन अच्छे से वर्क करता है। अदरवाइज बहुत ही ज़्यादा सिस्टम लैग करने लगता है, हैंग होने लगता है। एक बार अपडेट आया था जब वर्जन 3.0.1 में तो थोड़ा सा बेहतर हुआ था, बट उससे पहले वाला जो वर्जन जब मैंने गाड़ी लिया था उसमें और ही ज़्यादा बेकार था, टच का रेस्पॉन्स भी सही नहीं था। तो फ्रेंड्स अभी तो कंपनी जो एक और लेटेस्ट वर्जन आने वाली है, शायद उसमें कुछ ना कुछ बेहतर अपडेट्स लाए, ये मैं उम्मीद करता हूँ। तो अभी तक तो मेरा अपडेट वैसा कुछ नहीं आया है, देखते हैं नेक्स्ट अपडेट में क्या होता है। तो फ्रेंड्स दोनों गाड़ी का सेम ही प्रॉब्लम है, चाहे वो पुराना हो चाहे वो नई हो, इसमें जो सिस्टम है वो हैंग होता है और आए दिन मुझे दो से तीन दिन में उसको रीसेट करना पड़ता है। रीसेट बहुत ही आराम से हो जाता है, बट ये आपको इरिटेट कर सकता है अगर आप कहीं पे रोड में हैं, कहीं जल्दी में, तो गाड़ी व्हीकल इज लॉक्ड करके आ जाएगा मैसेज। आप उसको ओपन करेंगे, ओपन हो जाएगा, कभी हैंडल बार नहीं ओपन होगा, कभी हैंडल बार ओपन हो जाएगा तो गाड़ी आगे नहीं जाएगी। तो ये सारा चीज़ प्रॉब्लम होता है जब तक आप उसको रीसेट ना कर ले। तो फ्रेंड्स बाकी का मैं बात कर लूँ, इसमें वैसा और कुछ भी मुझे डिसएडवांटेजेस अब तक का नहीं लगा। एक बार मेरा इसमें क्या प्रॉब्लम आया मैं आपको बताता हूँ। इसमें शॉक एब्जॉर्बर है ये लीक हो गया था, या इसको जो शॉकर है वो लीक हो गया था, तो यहाँ से जितना ऑयल है वो सारा निकल गया था। तो मैं इसको सर्विस सेंटर भी ले गया था, वहाँ पे वीडियो करना अलाउड नहीं था इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। बट यहाँ पे एक बार सर्विस सेंटर पर ले जाने के बाद ये कम्प्लीटली चेंज हो गया था, बट फिर से ये शॉकर एक बार और लीक हो गया, तो मैं इसको दोबारा चेंज कराया। मीन्स ये तीसरी बार ये यहाँ पे कम्प्लीट नया शॉकर और इसका जो हब है वो कंप्लीट जो फॉक आर्म है ये दो बार चेंज हो चुका है। तो कंपनी ने इसको अच्छे तरीके से सॉल्यूशन दिया है, कोई भी चीज़ अगर प्रॉब्लम होती है तो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है अंडर वारंटी पीरियड, बट उसमें मुझे काफ़ी समय लग गया ये सारा चीज़ प्रोसेस करने में। एक बार चेंज करने में मुझे एक वीक का टाइम लगा, जब सेकेंड बार से हुआ तो उसमें मुझे दो वीक का लगभग टाइम हो गया था। ये कहीं ना कहीं मुझे एक महीने का चक्कर लग गया ये कम्प्लीट प्रोसेस को होने में अब तक का। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम क्या लगे कि सर्विस सेंटर में जो टेक्नीशियन रहते हैं वो सारा वेल ट्रेन टेक्नीशियन तो नहीं रहती है, थोड़ा बहुत उसमें खामियां जरूर रहती हैं, या तो फिर इस बॉडी फ्रेम में कुछ प्रॉब्लम है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने चेंज कराया था तो ये देखिए फ्रेम को ठीक से बैठाया नहीं, यहाँ पे देखिए कैसे यहाँ पे निकल गया है, जो यहाँ पे जो कैबिनेट है ये देखिए ठीक से नहीं बैठ पाया है, यहाँ पे देखिए निकल गया है। तो आप कहेंगे कि शायद ये गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो, तो ऐसा नहीं है। आगे जो दूसरी वाली है इसके साथ क्या प्रॉब्लम आया मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके साथ सेम प्रॉब्लम नहीं था, इसके साथ जो प्रॉब्लम था इसमें फ्यूज़ में कार्बन लग गया था, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको दिखाया था कि कैसे एक टेक्नीशियन मेरे घर में आके इसको ठीक किए थे, इसका जो कार्बन था उसको क्लीन करके वापस लगाए तो ये गाड़ी फिर से वर्किंग पोजिशन में आ गया। बट उसके लिए पूरा आगे का फ्रंट पीसीए खोला और पीछे का सारा कुछ खोल के देन जा करके इसका काम हुआ था। बट उसमें भी क्या हुआ था, ये जैसे ही सामने वाला जो फ्रंट खोलने के बाद यहाँ पे देखिए सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी आ गया। देखिए इसका भी जो यही जगह पे वो ठीक से नहीं बैठा है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि एक ही प्रॉब्लम दो गाड़ी में कैसे हो सकता है, अगर एक में कैबिनेट का कुछ इशू हो दोनों में आ रहा, तो ये जो टेक्नीशियन है वो वेल ट्रेंड नहीं है, क्योंकि दोनों ही काम एक ही टेक्नीशियन ने किया था। इसी कारण मैं कहता हूं कि बहुत सारे जो टेक्नीशियन है उसको वेल ट्रेन करना चाहिए, ओला को इसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं फिट एंड फ्लीस में ओला ने बहुत ही अच्छी गाड़ी बनाई, नो डाउट, बट जो उसके सर्विस सेंटर है, जो सर्विस टेक्नीशियंस हैं, उनको थोड़ा सा और ट्रेनिंग दे अच्छे से, ताकि वो अच्छे से काम कर सके, अच्छे से फिनिशिंग दे सके। तो फ्रेंड्स जो पहला प्रॉब्लम था ये गाड़ी के साथ मैंने आपको बताया शॉकर का था, और दूसरा ये फ्यूज़ में कार्बन लग जाता था, ये दोनों प्रॉब्लम अब तक का ये गाड़ी में आया। अदरवाइज इसमें ऐसा कोई भी प्रॉब्लम अभी तक नहीं आया है, बहुत अच्छे से चल रहा, मुझे रेंज भी सही मिला और मुझे ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है गाड़ी का, जो पिकअप है वो भी बहुत अच्छा लग रहा। तो फ्रेंड्स ये हमारी फैमिली में का टोटल दो गाड़ी मैंने अब तक का गाड़ी निकाला हूँ,
जो कि दोनों ही काफ़ी मुझे हेल्पफुल मिला। मैं बेसिकली मैं बिज़नेस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं, तो इसीलिए ये गाड़ी मेरे बिज़नेस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुई है, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूं अब तक का। तो फ्रेंड्स, अब मैं कंक्लूजन बताता हूं कि अगर आप ओला S1 Pro लेने जा रहे हैं या फिर ओला S1 Pro ले चुके हैं, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि आप इसका जो है 5 ईयर वाला वारंटी ज़रूर ले लें। अगर ये गाड़ी को आपको रखना है तो 5 ईयर जो वारंटी होता है, एक्सटर्नल वारंटी होता है, वो ज़रूर ले लें। उससे क्या होता है कि बहुत सारा ऐसे चीज़ है जो कि आपको अभी नया नया में नहीं पता चल रहा, बट आप अगर यूज़ करेंगे तो मे भी आपको सर्विस सेंटर जाना पड़े, आपको कुछ ना कुछ चेंज करते रहना पड़े। तो अगर आपकी गाड़ी लंबे समय तक वारंटी पीरियड में रहेगी तो आपको टेंशन फ्री रहेंगे, आपको बैटरी से खास करके कोई टेंशन नहीं होगी। तो इसीलिए आप उसका 5 साल वाला एक्सटेंडेड वारंटी ज़रूर ले लें। और दूसरा क्या है कि आपका इसका जो फ्री सर्विस है, जो टेक्नीशियन घर में आके करते हैं, उसका एक नॉर्मल से चार्ज है, कहीं कहीं पे 3,000 या फिर 2,500 या फिर 5,000 तक लगभग रहता है। वो अकॉर्डिंग अपने अपने जगह पे या फिर अकॉर्डिंग टाइम के हिसाब से वो वैरी भी करता है, कई बार डिस्काउंट भी आता है, तो वो अपने हिसाब से ज़रूर ले ले। उससे क्या होता है कि जैसे मेरा ये गाड़ी ये पूरा ब्रेक डाउन हो गया, तो ये कहीं ले जाने लायक नहीं था, बट ये गाड़ी ले जाने लायक था। तो मैं वैसा ही हाल में जो सॉकर जो लीक हो गया था, उसी हाल में मैं इसको सर्विस सेंटर ले गया, तो मेरा काम फ्री में हो गया, कोई पैसा ना लगा। बट इसमें छोटा सा काम था, फ्यूज़ में कार्बन आ गया, तो गाड़ी पूरी तरह से लॉक था, कहीं ले जाने लायक नहीं थी। देन मुझे टेक्नीशियन को बुलाना पड़ा, तो मुझे 580 रुपीज़ का चार्ज देना पड़ा छोटा सा काम के लिए, और इसमें ज़्यादा काम हुआ कोई चार्ज देना ना पड़ा। क्यों? क्योंकि मैं इसमें ऐसा कोई भी सर्विस नहीं लिया था जो कि घर में आके टेक्नीशियन फ्री में कर दे। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना, आप ये नॉर्मल सा चार्ज ज़रूर दे दे, ये वाला सर्विस ज़रूर ले ले, इससे आपका लाइफ टाइम आप टेंशन फ्री रहेंगे। तो फ्रेंड्स, बाकी का मैं ओवरऑल कंक्लूजन बताता हूँ कि अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हैं अपने फैमिली पर्पज़ से या फिर अपने बिजनेस पर्पज़ से, तो ये गाड़ी आपके लिए कहीं ज़्यादा फायदेमंद रहेगी, आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेगी। हाँ, थोड़ा बहुत इशू है, जैसा कि मैंने आपको बताया सिस्टम का, तो ये सारा अपडेट्स आते रहता है। जब मैंने गाड़ी ली तो उस समय तो बहुत ही ज़्यादा लैगी था, बहुत ज़्यादा स्लो था, और टच रिस्पॉन्स भी बहुत ही ज़्यादा स्लो था, बट जैसे ही एक अपडेट आया उसमें बहुत ज़्यादा 80% मेरा जो है प्रॉब्लम है वो दूर कर दिया। अब रेस्ट 20% मे भी नेक्स्ट अपडेट में जैसे ही आएगा उसमें दूर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बाकी सारा चीज़ तो वैसे एज इट इज़ रहा, लाइट का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, साउंड बहुत अच्छी है, म्यूज़िक भी आप सुन सकते हैं, ओवरऑल जो पिकअप है वो भी बढ़िया, आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक ईवी गाड़ी चला रहे हैं। बाकी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इसका कौन सा फीचर्स ज़्यादा अच्छी लगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया हो, फिर भी कोई कन्फ्यूजन है मुझे सिंपल कमेंट करें, मैं वहाँ पर ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाए।